HTML इमेज, HTML इमेज टैग इज यूज टू डिस्प्ले इमेज ऑन द वेब पेज। ठीक है, हमें अगर अपने वेब पेज पे कोई भी इमेज को डिस्प्ले करना है तो हम लोग एक टैग यूज करते हैं जिसको हम लोग इमेज टैग बोलते हैं, IMG हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इसको। HTML इमेज टैग इज एन एम्प्टी टैग दैट कंटेन्स एट्रीब्यूट्स ओनली। ठीक है, ये एक प्रकार का एम्प्टी टैग होता है जिसको हम लोग ओपन करते हैं लेकिन क्लोज नहीं करते हैं। ठीक है, ओपन होगा लेकिन क्लोज नहीं होगा। ठीक है, क्लोजिंग टैग्स आर नॉट यूज्ड इन HTML इमेज एलिमेंट। सिर्फ और सिर्फ ओपन होगा और क्लोज नहीं होगा। बहुत सिंपल सा टैग है, देखते हैं हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने लिखा IMG, यहाँ पे हम लोग ने एंगल ब्रैकेट ओपन किया, उसके बाद यहाँ पे लिखा IMG, इसके बाद यहाँ पे हम लोग एक सोर्स डालेंगे यहाँ पे। ठीक है, सो SRC जो है इसको हम लोग बोलते हैं सोर्स। सोर्स में हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का इमेज होगा, ठीक है, उसका हम लोग यहाँ पाथ देंगे। ठीक है, जैसे हम लोग ने बैकग्राउंड जब लगाया था तो वहां पे एक पाथ दिया था। ठीक है, मतलब वो इमेज हमारा कहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, उसका हमें यहाँ पे पाथ देना होगा, उसका हमें यहाँ पे पाथ देना होगा, तो वहां पे हम लोग पाथ लिखेंगे। ठीक है, एक और एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज किया जाता है ऑल्टरनेटिव, जिसको बोला जाता है ऑल्ट, ALT हम लोग इसको लेते हैं। अगर मान के चलिए इन केस अगर ये पाथ में कुछ गड़बड़ी होगा या फिर कुछ इंटरनेट के प्रॉब्लम से या कोई भी दूसरे प्रॉब्लम से इमेज अगर लोड नहीं होगा, इमेज अगर लोड नहीं होता है, तो उस केस में यहाँ पे हम लोग को ऑल्टरनेटिव में टेक्स्ट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, वहां पे ये वाला टेक्स्ट डिस्प्ले होगा। अगर इमेज नहीं आएगा तो ये टेक्स्ट डिस्प्ले होगा, अगर इमेज आएगा तो ये टेक्स्ट डिस्प्ले नहीं होगा। तो इमेज नहीं आने के केस में ये ऑल्ट जो है वो अपना इफेक्ट दिखाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे इमेज टैग को यूज करते हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट्स यहाँ पे इसके हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं। यहाँ पे तीन चार प्रकार के एट्रीब्यूट्स अवेलेबल हैं। फर्स्ट एट्रीब्यूट है यहाँ पे SRC। ठीक है, SRC जो एट्रीब्यूट यहाँ पे है वो सबसे कंपलसरी एक एट्रीब्यूट है जिसके थ्रू हम लोग इमेज को ऐड कर सकते हैं। अगर हम लोग SRC नहीं लिखते हैं तो हम लोग अपने वेब पेज में इमेज ऐड नहीं कर सकते हैं। इट इज नेसेसरी एट्रीब्यूट दैट डिस्क्राइब्स द सोर्स और पाथ ऑफ द इमेज। इट इंस्ट्रक्ट्स द ब्राउजर वेयर टू लुक फॉर द इमेज ऑन द सर्वर। ठीक है, SRC में हम लोग क्या देते हैं, सोर्स या फिर पाथ देते हैं इमेज का। ठीक है, जिससे वो क्या करता है, ब्राउजर को इंस्ट्रक्ट करता है और वो इमेज को सर्च करेगा सर्वर पे, चाहे वो लोकल सर्वर हो या फिर कहीं इंटरनेट पे हो, दोनों सोर्स हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, कहीं का भी हम लोग सोर्स हम लोग दे सकते हैं विथ SRC एट्रीब्यूट। सेकेंड आता है ऑल्ट एट्रीब्यूट। द ऑल्ट एट्रीब्यूट डिफाइंस एन ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट फॉर द इमेज। ठीक है, ऑल्ट एट्रीब्यूट क्या डिफाइन करता है, ऑल्टरनेट टेक्स्ट। अगर इन केस इमेज डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो ये ऑल्टरनेट टेक्स्ट जो है वो डिस्प्ले किया जाता है इमेज की जगह पे। ठीक है, इफ इट कांट बी डिस्प्लेड द वैल्यू ऑफ द ऑल्ट एट्रीब्यूट डिस्क्राइब द इमेज इन वर्ड्स। ठीक है, कोई भी इमेज अगर हम लोग लगा रहे हैं, अगर वो नहीं आ रहा है तो हम लोग उसी इमेज को वर्ड्स में हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं और ऑल्ट में हम लोग लगा सकते हैं। तो इन केस अगर नहीं मिलता है तो हम लोग क्या मिलेगा, जो ऑल्टरनेटिव में हम लोग ने ऑल्ट एट्रीब्यूट में जो टेक्स्ट दिया हुआ है वो डिस्प्ले होगा। ठीक है, द ऑल्ट एट्रीब्यूट इज कंसिडर्ड गुड फॉर SEO पर्सपेक्टिव। ठीक है, ऑल्ट हम लोग इसलिए लगाते हैं ताकि हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छे से कर सके। ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मतलब कि अगर हम लोग को कोई भी इमेज को सर्च करना है, ठीक है, जैसे हम लोग वॉलपेपर सर्च करते हैं, ठीक है, जो भी हम लोग इमेज सर्च करते हैं, ठीक है, तो उस केस पे क्या होगा, जो सर्च में हम लोग कोई कीवर्ड लिखते हैं, ठीक है, तो कीवर्ड जो है वो सर्च इंजन में लिखेंगे, मतलब गूगल हो गया, याहू हो गया, बिंग हो गया। ठीक है, इस टाइप से जो सर्च इंजन होता है तो वो इस कीवर्ड को ही पकड़ेगा। ठीक है, मतलब जो हम लोग ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट में लिखेंगे
क्योंकि टेक्स्ट से ही हमेशा सर्च होता है, ठीक है, तो वो टेक्स्ट को पकड़ेगा और वो इमेज को ला के डिस्प्ले करेगा, ठीक है। थर्ड होता है विड्थ, ठीक है, थर्ड होता है विड्थ। इट इज एन ऑप्शनल एट्रीब्यूट विच इज यूज टू स्पेसिफाई द विड्थ टू डिस्प्ले द इमेज। विड्थ मतलब होगा उसकी चौड़ाई, कितनी चौड़ाई होनी चाहिए इस इमेज की या फिर कोई भी इमेज की जो हम लोग ने सेट किया है वहां पे, ठीक है। यू कैन अप्लाई सी एस एस इन प्लेस ऑफ विड्थ एट्रीब्यूट, हम लोग वहां सी एस एस भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। विड्थ हो गया, और फोर्थ होता है हाइट। इट एच थ्री द हाइट ऑफ द इमेज, ठीक है। ये क्या करता है, हाइट को सेट करता है, मतलब विड्थ हो गया मतलब चौड़ाई हो गया और ये लंबाई हो गया। HTML height attribute also supports iframe, image and object elements. It is not recommended now. You should apply CSS in place of height attribute. ठीक है, देखिए generally width और height जो होता है वो HTML 4 तक supported था। अगर HTML 5 में हम लोग इसको use करेंगे तो support तो करेगा, ठीक है, लेकिन वहाँ recommend नहीं किया जाता कि width और height use करें, क्योंकि अगर width और height हम लोग use करते हैं तो जब हम लोग CSS उसमें apply करेंगे, ठीक है, तो सी एस एस अप्लाई जब करेंगे तो बाकी सारे एलिमेंट्स या फिर दूसरे हम लोग उसमें सेक्शंस बनाते हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से वो इमेज नहीं आएगा, ठीक है, बाकी सेक्शन का पूरा साइज वगैरह सब चीज बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो उस केस में हम लोग HTML 5 अगर यूज करें तो वहां पे विड्थ और हाइट यूज नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल हाइट और विड्थ को यूज करते हुए। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा इमेज, फिर लिखा src, और यहाँ पे मैंने एक इमेज का नेम दे दिया, ठीक है। जहां पे भी इमेज रखा होगा हम लोग यहाँ पे उसका फुल पाथ देंगे, ठीक है। अगर मैंने जो भी फोल्डर में ही HTML फाइल और इमेज दोनों रखा हुआ है तो हम लोग को वहां फुल पाथ देने की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम लोग नेम दे देंगे और विथ एक्सटेंशन, ठीक है। फिर उसके बाद हाइट लिखेंगे, हाइट मान के चलो 180 पिक्सल्स है, ठीक है, और विड्थ है 300। ये जो 300 और 180 है ये पिक्सल्स में, यहाँ पे हम लोग पी एक्स भी लिख सकते हैं, 80 px और 300 px। अगर नहीं भी लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये पिक्सल्स में होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 180 या फिर 300 जो लिए है ये स्क्रीन के रिजोल्यूशन के अकॉर्डिंग डिस्प्ले होगा। अगर आपकी जो स्क्रीन है 1280x722 है, ठीक है, तो इमेज थोड़ा बड़ा डिस्प्ले होगा। अगर आप लोग का फुल HD डिस्प्ले है तो इमेज थोड़ा छोटा डिस्प्ले होगा, ठीक है, और उससे अच्छा स्क्रीन है तो और छोटा डिस्प्ले होगा। मतलब जितना बड़ा रिजोल्यूशन होगा हम लोग को इमेज को डिस्प्ले भी उसी तरीके से हम लोग को करना पड़ेगा, मतलब पिक्सल्स को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे उसका, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, इमेज लगाया, सोर्स दिया animal.jpg, हाइट दिया 180 px, विड्थ दे दिए हम लोग 300 px, और ऑल्ट दे दिए एनिमल इमेज, ठीक है। तो हम लोग को कुछ इस प्रकार से यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कोई भी एक इमेज, ठीक है। तो वेब पेज में हम लोग को एक इमेज यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग वेब पेज में इमेज को ऐड कर सकते हैं यूज ऑफ ऑल्ट एट्रीब्यूट। वी कैन यूज ऑल्ट एट्रीब्यूट विथ इमेज टैग, इट विल डिस्प्ले एन ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट इन केस इफ इमेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड ऑन द ब्राउजर, ठीक है। हमने यहाँ पे कोड लिखा, src दिया animal.png, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लास्ट एग्जाम्पल में यहाँ पे देखे थे animal.jpg लिखी थी, आपकी केस में हम लोग ने क्या लिखा, इसका एक्सटेंशन जो है चेंज कर दिया, png कर दिया, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो इमेज अवेलेबल है .jpg में है, ठीक है। हाइट दिया इसका 180, विड्थ दे दिए 300, ऑल्ट दे दिए एनिमल इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने जो एक्सटेंशन है वो गलत डाल दिया, इसका मतलब ये जो इमेज है वो गलत है, ये इमेज अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। तो उस केस पे वो डिस्प्ले तो कर नहीं पाएगा, उस केस पे वो डिस्प्ले नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे इमेज डिस्प्ले होना था, यहाँ पे एक छोटा सा आइकन दिख रहा है वो टूटा हुआ है, ठीक
इसका मतलब इमेज लोड नहीं हुआ। इमेज नहीं लोड हुआ तो क्या लोड होगा? ऑल्ट। ऑल्ट एट्रीब्यूट में जो भी टेक्स्ट हम लोग देंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा, वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। ठीक है, अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ तो जो भी टेक्स्ट यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो ऑल्ट एट्रीब्यूट में क्या होगा कि अगर इमेज डिस्प्ले नहीं होता है तो उससे रिलेटेड जो भी ऑल्ट एट्रीब्यूट में हम लोग टेक्स्ट देंगे वो डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग एक इमेज को ऐड करते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास किसी भी फोल्डर में रखा हुआ है या फिर कोई दूसरे डायरेक्टरी में रखा हुआ है तो हम लोग उसका सोर्स कैसे देंगे? ठीक है, यहाँ पे देखो, हाउ टू गेट इमेज फ्रॉम अनदर डायरेक्टरी और फोल्डर। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था इमेज का सोर्स कैसे देते हैं हम लोग, या फिर यूआरएल हम लोग कैसे वहां पे देते हैं, मतलब फुल पाथ उसको कैसे देंगे। ठीक है, यहाँ पे इमेज src, ठीक है, ई ड्राइव के अंदर है इमेजेस एनिमल डॉट png। इस प्रकार से पूरा का पूरा हम लोग दे सकते हैं अगर हमारा html फाइल और जो इमेज है वो अलग अलग फोल्डर में रखा हुआ है तब। ठीक है, अलग अलग फोल्डर में रखा, तब हम लोग को ऐसा फुल पाथ देना कंपलसरी होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे इमेज टैग एज लिंक। ठीक है, कोई भी इमेज को हम लोग लिंक कैसे बना सकते हैं? ठीक है, यहाँ पे देखो, लिंक बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? एंकर टैग यूज करते हैं। ठीक है, हमने एंकर लगाया, एच रेफरेंस लिखा और यहाँ पे कोई भी एक लिंक दे दिया हमने। ठीक, कोई भी हमने एक लिंक दे दिया। ठीक है, और इस एंकर टैग के अंदर में जहां पे हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं वहां पे हमने क्या डाल दिया? इमेज डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो इमेज रहेगा, ठीक है, ये कोई भी एक इमेज है, ये क्या बन जाएगा? लिंक बन जाएगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा? एक लिंक बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने रोबोट का एक जो इमेज लगाया ये क्या बन जाएगा? लिंक बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी इमेज को एज ए लिंक हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा इमेज टैग। ठीक है, सबसे पहले मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ, सेव एज, और यहाँ पे मैं दे दूंगा इमेज टैग डॉट html। इमेज टैग डॉट html करके मैं सेव कर दिया। ठीक, और यहाँ पे ये बॉडी वगैरह से सारा चीज मैं हटा देता हूँ, बॉडी के सारे एट्रीब्यूट्स में हटा दिया। ठीक है, बॉडी में कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे मैं लिख लूंगा इमेज टैग एग्जाम्पल ऑफ इमेज टैग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग कैसे इमेज को ऐड करेंगे। ठीक है, तो मैं साइड बाय साइड ओपन कर लेता हूँ, जो हमारा पेज है उसको मैं ओपन कर लूंगा। ठीक है, इमेज टैग, ये रहा इमेज टैग, मैं इसको ब्राउजर पे ओपन कर दिया और कुछ इस प्रकार का भी फिलहाल हम लोग को यहाँ दिख रहा है। ठीक है, बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड हट गया, हमने इसको सेव नहीं किया था। और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मुझे एक इमेज ऐड करना है, मेरे पास एक इमेज अवेलेबल है, एक ग्रीन, ठीक है, ग्रीन नाम का इमेज अवेलेबल है जो कि कुछ इस प्रकार का एक इमेज है। ठीक है, काफी बड़ा इसका रेजोल्यूशन है। ठीक है, तो इसको हम लोग सेट करेंगे अपने स्क्रीन पे। ठीक है, मैं आ जाता हूँ यहाँ पे और इस प्रकार से हम लोग साइड बाय साइड ओपन कर लिए। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे img। ठीक है, ये एक प्रकार का एम्प्टी टैग है। एम्प्टी टैग मतलब ओपन होगा क्लोज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ हम लोग को इतना ही लिखना है। और इसमें चार प्रकार के एट्रीब्यूट हम लोग को ऐड करना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से एट्रीब्यूट यहाँ पे ऐड करते हैं। सबसे फर्स्ट एट्रीब्यूट होता है src। src इसका मतलब होता है सोर्स। इक्वल टू लिखेंगे, डबल कोट लिखेंगे, और डबल कोट के अंदर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ग्रीन डॉट jpg। ये हमारा इमेज का नेम है। ठीक है, इमेज का नेम कैसे है? यहाँ पे ग्रीन लिखा हुआ है, प्रॉपर्टीज में इसको देखेंगे और यहाँ पे हम लोग को एक्सटेंशन मिल जाए।
एक्सटेंशन के साथ में हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया एक्सटेंशन के साथ में, और मैं यहाँ पे ला के रिफ्रेश करता हूँ, और इसके पहले मैं इसको सेव करूंगा। यहाँ पे सेव कर लिया और यहाँ पे आके रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये इमेज हम लोग को यहाँ मिल गया है। ये बैकग्राउंड पे नहीं आया है, ये बैकग्राउंड पे नहीं आया है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ये मतलब इस H2 टैग के बाद में है। मैं इसको जूम आउट करके दिखाता हूँ तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। ये हम लोग का इमेज है, तो मैं इसका हाइट और विड्थ भी सेट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग उसके पहले यहाँ पे हम लोग मैं इसको 100% कर देता हूँ, ठीक है। ये 100% है क्योंकि इमेज का रेजोल्यूशन काफी बड़ा है। मैं यहाँ पे हाइट हाइट सेट करता हूँ 300 पे, और विड्थ सेट कर देता हूँ 500, ठीक है। 500 पिक्सल्स में होगा। मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग उसका जो इमेज का साइज था वो कम हो गया, मतलब उसका साइज क्या हो गया है, विड्थ है 500 और हाइट है 300, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे एक इमेज को रीसाइज कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग एक और यहाँ पे एट्रीब्यूट देंगे, ऑल्ट। ऑल्ट मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ऑल्ट इक्वल टू मैं देता हूँ यहाँ पे इमेज ऑफ द ट्री विथ वॉल, ठीक है। इस प्रकार का मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, एक ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट कब डिस्प्ले करेगा, जब ये इमेज लोड नहीं होता, ठीक है। अब मान के चलो यहाँ पे जो जेपीजी मैं लिखा हूँ उसके जगह मैं लिख देता हूँ पीएनजी, मतलब मैंने इसके जो इमेज है उसके नेम में गड़बड़ी कर दिया, तो इमेज अब लोड नहीं होगा। मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आके रिफ्रेश कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग एक लाइन सा बन रहा है, हाइट और विड्थ हम लोग ने सेट किया तो लाइन बन रहा है, लेकिन उस फ्रेम पे वो इमेज डिस्प्ले नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे पाथ जो था इसका सोर्स जो था वो गलत कर दिया, ठीक है। लेकिन उसके जगह में यहाँ पे ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है इमेज ऑफ द ट्री विथ वर्ल्ड, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ ऑल्टरनेटिव जो है वो वर्क करता है। तो अगर वापस से हम लोग इसको सही कर लेंगे, ठीक है, मैं जेपीजी इसको करता हूँ, सेव करता हूँ और यहाँ रिफ्रेश करता हूँ, तो वापस से इमेज आ जाएगा, ठीक है। जब इमेज आएगा तो ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट जो है वो डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे इमेज टैग का यूज करते हैं। देखिए अगर हमारे पास जो भी इमेज रखा हुआ है, अगर वो दो अलग कोई फोल्डर में है, अभी मेरे पास जो यहाँ इमेज है वो जो मैंने HTML पेज रखा हुआ है जिसमें, उसी फोल्डर के अंदर में ही है, ठीक है। अगर मेरे पास कहीं और रखा हुआ है, मान के चलिए यहाँ पे मैं इस पिक्चर से मैं रखा हुआ हूँ, ठीक है, सैंपल पिक्चर से यहाँ पे देख लेते हैं, सैंपल पिक्चर से बहुत सारे इमेजेस मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान के चलो पेंगुइन्स मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है, ये अलग फोल्डर में, ठीक है। तो मुझे यहाँ से पाथ कॉपी करना पड़ेगा, मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसका पाथ कॉपी करूंगा, इसको पाथ को मैं कॉपी करूंगा, उसके बाद यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूंगा, ठीक है। मैंने इसको पेस्ट किया, फिर लगाऊंगा बैक स्लैश और यहाँ पे लिखूंगा पेंगुइन्स डॉट जेपीजी, ठीक है। सेम स्पेलिंग लिखना है, अगर पी कैपिटल है तो पी कैपिटल में हम लोग को लिखना है और साथ में इसका एक्सटेंशन लगाना है। फिर मैं इसको क्या करूंगा, सेव करूंगा और यहाँ पे आके रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे पेंगुइन आ जाएगा, ठीक है।
तो जो अगर मान के चलो इमेज हम लोग कोई दूसरे फोल्डर में रखे हुए, तो वहां का हम लोग फुल पाथ देना होगा, ठीक है? अगर पाथ सही रहेगा तो इमेज सही से लोड होगा, अगर पाथ गलत होगा तो इमेज लोड नहीं होगा, ठीक है? पाथ सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब जो सोर्स एट्रीब्यूट है वो सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है इस इमेज टैग के अंदर। अगर सोर्स में पाथ जो हम लोग दिए है इमेज का वो सही होगा तो इमेज सही से लोड होगा। कई लोग अभी ट्राई करेंगे तो बहुत सारे लोग पाथ में गलती कर देंगे और इमेज लोड नहीं होगा, फिर बोलेंगे कि इमेज लोड नहीं हो रहा है, हमारे में प्रॉब्लम हो रहा है इमेज लोड होने में, तो पाथ चेक करेंगे, ठीक है? पाथ अगर सही दोगे तो इमेज सही से लोड होगा, अगर पाथ सही नहीं होगा तो इमेज सही से लोड नहीं होगा, ठीक है? नेक्स्ट चीज, अब इस इमेज को मैं मान के चलो इसको मैं हाइट वगैरह और थोड़ा छोटा कर देता हूँ, चलिए ठीक है, इसको रहने देते। हम लोग इसको एक लिंक बना सकते हैं। अभी मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है, अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है? अगर मैं चाहता हूँ कि इस इमेज पे क्लिक करूँ और कोई दूसरा लिंक ओपन हो जाए, ठीक है, तो उसको वैसा भी हम लोग यहाँ कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है हम लोगों, क्या करना है इसको डाल देना है एंकर टैग के अंदर में, ठीक है? मैं यहाँ पे लिखा ए, ठीक है, और लास्ट में इस यहाँ एंकर टैग क्लोज कर दूंगा, ठीक है? और यहाँ पे एक रेफरेंस दे दूंगा HREF, ठीक है, इक्वल टू, मैं यहाँ पे कुछ भी दे देता हूँ, लाइक यहाँ पे मैं दे देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे दे देता हूँ एंकर टैग .html, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, एक दूसरे पेज का लिंक दे दिया, ठीक है? अब मैं यहाँ पे आकर रिफ्रेश करता हूँ, तो अब इसके ऊपर माउस लेके जाऊंगा तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो माउस का जो एरो था वो हैंड बन चुका है। इसका मतलब ये इमेज क्या बन गया, लिंक बन गया, ठीक है? मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे एंकर टैग ओपन हो जाएगा, ठीक है, वापस गया, फिर इस पे क्लिक करूंगा तो एंकर टैग वाला HTML पेज ओपन हो गया। यहाँ पे हम लोग URL में देख सकते हैं, बैक गया, अभी इमेज टैग .html है। मैं इस इमेज पे क्लिक करूंगा तो क्या ओपन हो गया, एंकर टैग .html ओपन हो चुका है, ठीक है? तो इस प्रकार से हम लोग टेक्स्ट को तो लिंक बना ही सकते हैं, साथ में किसी भी इमेज को भी हम लोग लिंक बना सकते हैं और कोई दूसरे सेक्शन को भी हम लोग लिंक बना सकते हैं, ठीक है? किसी टेबल को, किसी इमेज को, किसी वीडियो को, हर किसी को हम लोग एंकर टैग लगा के लिंक बना सकते हैं। ऐसा उसमें बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हम लोग ने टेक्स्ट को ही लिंक बना सकते हैं, हम लोग किसी भी चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग लिंक बना सकते हैं जो हम लोग अपने HTML वेब पेज में यूज कर रहे हैं, ठीक है? तो ये था पूरा का पूरा इमेज टैग।